ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 5 ऐसी भविष्यवाणियां जो 100% सत्य होकर रहेगी। इससे पहले अगर आपने देखा होगा जून जुलाई की भविष्यवाणियों में 5 भविष्यवाणी बताई गई थी, जिसमें केवल एक रशिया यूक्रेन की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य नहीं हुई, बाकी 4 के 4 प्रेडिक्शन जो थे वो सत्य हुए। कौन कौन से वो प्रेडिक्शन थे? सबसे पहला अर्थक्वेक के बारे में बताया गया था, भारत के पड़ोसी राज्यों में या भारत के हिंदू कश वाला जो एरिया होता है उस बेल्ट में एक बड़े भूकंप की आशंका बताई गई थी, और ये आशंका जो थी ये निश्चित रूप से आपको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। लगभग 800 से 900 लोगों के ऑफिशियल भूकंप के कारण मारे जाने की संभावना यहाँ पर दिख रही थी और ऐसा हुआ भी है चार्ट में। इसके अलावा दूसरी जो भविष्यवाणी की हम लोगों ने बात की थी वो लगातार वायुयान दुर्घटना के लिए मैंने अलर्ट किया था कि वायुयान दुर्घटना होगा। वायुयान दुर्घटना तो नहीं हुआ, जो बड़ा रिलैक्सेशन है कि दुर्घटना नहीं हुआ, लेकिन इमरजेंसी कितनी बार आप देखिए इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कभी आग लग जा रहे थे, कभी अंदर से जो थे वो धुएं उत्पन्न हो रहे थे केबिन के अंदर, तो ये काफ़ी चिंताजनक था। और ये सारी लगभग केवल एक ही कंपनी के फ्लाइट्स में नहीं था, इंडिगो में भी हुआ, स्पाइसजेट में भी हुआ, और ये 18 टेक्निकल फॉल्ट्स भी देखने को मिले दौरान जून जुलाई में। 18 टेक्निकल फॉल्ट, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था, एक मास में काफ़ी खतरनाक दुर्घटने हो सकते थे, लेकिन ये दुर्घटना जो था वो नहीं हुआ, ये बड़ी राहत की बात है। और इसके लिए जो प्रिडिक्शन बताई गई थी कि ऐसी घटनाएं होंगी, और वो घटना लगभग होते, क्योंकि घटनाएं योग पर आधारित होती हैं और योग बना और इस तरीके से लोग सुरक्षित तो बच गए, लेकिन उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो ऐसे ही विमान कंपनियों पर ही पड़ा है। और जो लोग बहुत अच्छे से रूटीन चेक नहीं कर रहे थे, और 18 टेक्निकल फॉल्ट मिलना इसी 2 महीने में काफ़ी निगेटिव था। और देखिए 50% की क्षमता के साथ अब स्पाइस जेट को ऑपरेटिंग किया गया है, और जब तक वो टेक्निकल फॉल्ट को सही नहीं कर ले, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। इसके अलावा जो भविष्यवाणी की गई थी कमोडिटी प्राइस को लेकर, वो भी 50-52 के आसपास का ही बताया गया था, उसी रेंज बाउंड में वो ट्रेडिंग करेगा। लेकिन शेयर बाजार पे 2 बार प्रेडिक्शन दी गई थी, एक बार प्रेडिक्शन दी गई थी, इनफैक्ट कहिए 3 बार प्रेडिक्शन इस मंथ में दी गई थी। एक तो कहा गया था एग्जैक्टली उसी डेट में कंप्लीट हो गया था पहली बार का प्रेडिक्शन, दूसरा जब 15700 के आसपास ट्रेडिंग हो रही थी उस समय मैंने बोला था 15000 के लेवल नीचे की ओर जा सकता है, वो भी टच किया, और उसके बाद क्योंकि इसने टच कर दिया था तो ऊपर आने में थोड़ा डिले लगा, और 15 दिन के आसपास डिले प्रेडिक्शन हुआ। और उस प्रेडिक्शन के बाद भी जो 16200, 16400, 16700 की मैं बात कर रहा था, 17000 की बात कर रहा था, वो सारी प्रेडिक्शन लगभग सत्य हुई थी। और राजनीतिक उठापटक की जो बात कर दी गई थी पहले ही, वो भी आपने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक उठापटक लगातार चल रहा था, राजनीतिक भूचाल था महाराष्ट्र में, और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि एक ऐसी प्रेडिक्शन थी जो सत्य नहीं हुई, उस जो प्रेडिक्शन सत्य नहीं हुई उसमें रशिया यूक्रेन वाली प्रेडिक्शन थी, और ये 2 बार प्रयास किया, दोनों बार ही असफल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 4 प्रेडिक्शन सत्य हुई है 5 में। अगस्त से अक्टूबर तक, अब आगे क्या बीतेगा, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, आइए हम समझते हैं संक्षेप में। देखिए अगस्त का जो महीना रहेगा इसमें सबसे बड़ा जो मेजर चेंजिंग होने वाला है वो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 10 अगस्त को होगा। मंगल राहु का जो अंगारक दोष था वो खत्म होगा, थोड़े टाइम के लिए कुछ आग लगने की जो घटनाएं थी अब कम होते हुए दिखाई देंगी। जिस रेट से आग लग रही थी उसकी स्पीड में आप देखिएगा कुछ ना कुछ कमी आते हुए दिखाई देगा, एक राहत की बात रहेगी प्रारंभिक दिनों में। लेकिन राहु जो मंगल के साथ द्वितीय द्वादश भाव में रहेंगे, मंगल के रिस्पेक्ट में राहु द्वादश भाव में रहेंगे, ये एक निगेटिव फैक्टर पुनः जनरेट होगा। राहु राजनीति का कारक है, मंगल के रिस्पेक्ट में द्वादश में रहना ये निश्चित रूप से राजनीतिक उठा
पटक को जरूर कर सकता है। मैंने पूरी गणना की है अगस्त से लेके कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, कब होगा, और उन सभी के आधार पे पांच ऐसी भविष्यवाणी पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला है पॉलिटिकल प्रिडिक्शन है और ये सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी है जो कि अगस्त से अक्टूबर के मध्य में हो सकता है। और ये कहाँ पर होगा आने वाले समय में पता चल जाएगा आपको, लेकिन चार्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है भारत में ये सत्ता परिवर्तन एकाध राज्यों में और भी देखने को आपको जल्द मिल सकता है। और ये राजनीतिक प्रेडिक्शन तो कंटिन्यू रहेगा, राजनीतिक जो अर्थक्वेक आएगा वो भी कंटिन्यू अभी भी रहने वाला है। और इसका जो डेट रहेगा ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा, मैंने स्पष्ट रूप से इसको नोट किया है, 18 सितंबर से लेकर अक्टूबर के एंड तक का जो टाइम रहेगा, इस पूरे अगस्त से अक्टूबर के बीच का जो टाइम है उसमें 18 सितंबर से लेकर अगस्त तक का टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा। 6 ग्रह एक बार पुनः युति करेंगे, 4 ग्रह एक स्थान पर रहेंगे, सूर्य केतु मंगल, मंगल के जगह पे सूर्य केतु शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह एक जगह पर रहेंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी, एक ही पॉइंट पे 6 ग्रहों का कहा जाए एस्पेक्ट बनेगा। और जब भी 6 ग्रहों का एस्पेक्ट बनता है एक परेशानी उत्पन्न होती ही होती है। हालांकि 6 ग्रह एक जगह पर होते हैं तो ज़्यादा नुकसान करते हैं, अगर युति होती तो थोड़ी कम नुकसान उस समय देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि इसमें अर्थक्वेक इस समय जो रहेगा 18 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक की बात किया जाए तो उस समय अर्थक्वेक की आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। भारत के पड़ोसी राज्यों में कहा जाए तो पड़ोसी राज्यों में वो राज्य की मैं बात करूँगा जहाँ पर ये समुद्र के पोर्शन की बात मैं करूँगा, समुद्र वाले पोर्शन में सुनामी आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वो भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो प्रदेश हैं देश जो हैं वहाँ पर होगा, और भारत में भी इसको ज़रूर इसके आसपास जो है भारत के तटीय राज्यों में जो कि पश्चिम में पड़ते हैं या जो आपके नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में ना कह के कहा जाए ईस्टर्न कोस्टल रहता है, भुवनेश्वर वाले साइड में जो पूरा बेल्ट पड़ता है, भुवनेश्वर हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला जो पूरा बेल्ट पड़ता है उसमें एक प्रकार का ज़बरदस्त प्रभावी चक्रवाती जो तूफान की बात की गई थी वो भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा अभी भी मैं चार्ट में देख रहा हूँ, इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो भी प्रेडिक्शन सत्य होकर रहेगा, कुछ दिन में उसके भी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसी बड़े राजनेता की अकस्मात दुर्घटना होकर डेथ हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए, कुछ एक बड़ा या अकस्मात बीमारी से या हार्ट अटैक, आपने सुना ही हुआ अकस्मात हार्ट अटैक के बाद किसी बड़े लोगों को परेशानी उत्पन्न हो जाती, उसी तरीके से देखा जाए तो ये राजनीतिक जो दुर्घटना हत्या या कहा जाए हेल्थ इश्यूज़ किसी कारण बड़े राजनीतिज्ञों की, मतलब आप ये कहिए कम से कम 3 राजनेताओं की इस तरीके से डेथ हो सकती है, और ये फेमस पर्सनैलिटी होंगे और अकस्मात ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की भविष्यवाणी है, नवंबर दिसंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। शेयर मार्केट की बात किया जाए तो शेयर मार्केट में 18,000 के आसपास के बाद कहा जाए 17,500-17,800 के आसपास जैसे ही मार्केट जाएगा 10% तक मार्केट करेक्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है चार्ट में। अर्थात ये एक बार पुनः आपको एक निवेश का अच्छा मौका देगा, जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से ये खरीदारी कर सकते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीनों महीने में। मैं ये नहीं कहता हूँ लगातार बार बार गिरेगा, लेकिन ओवरऑल जब आप व्यू देखिएगा 3 मंथ के बाद का तो आपको थोड़ा सा ये दिखाई देगा कि अकस्मात शेयर मार्केट में गिरावट बहुत तगड़ा स्टार्ट हो जाएगी, और इसका जो भी रीज़न होगा, अकस्मात कोई भी बड़ा एक रीज़न बन सकता है और एक बड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपर की ओर ऑलरेडी बताया जा चुका है कि टारगेट जितने भी दिए गए थे आपको पहले वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब नीचे की ओर ये 17,500-18,000 के आसपास से डिक्लाइन करेगा और ये लगभग 16,000 के लेवल को पुनः एक बार टेस्ट कर सकता है, और वही एक टाइम होगा जिसमें आप बड़ा निवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस की बात किया जाए तो कमोडिटी प्राइस में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, इन तीन की प्रेडिक्शन मैं हमेशा देता हूँ, तो इन तीन के बारे में ही अगस्त से लेकर अक्टूबर तक क्या होने वाला है। तो गोल्ड जो है 52 का जो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था वो तोड़कर ये 52 से 55 के बीच में ट्रेडिंग करना प्रारंभ कर देगा। सिल्वर 60,000 के आसपास ये पहुँच जाएगा, अभी भी 5,000 ये कम है, 55,000 या 54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 60,000 के आसपास बढ़ेगा। क्रूड ऑयल पुनः $120 के आसपास टच कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रहेंगी। इकोनॉमिक क्राइसिस जो रहेगा वो भी बढ़ता रहेगा, मतलब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर या इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना अभी भी बहुत मुश्किल दिख रहा है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, इसके कारण जनता में नाराज़गी रहेगी। और कहा जाए तो ये टाइम अभी जो वर्तमान सरकार है उनके लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए NDA की जो सरकार है उसके लिए कुछ मुसीबत बन सकती है, और ये टाइम बहुत अच्छा टाइम नहीं रहने वाला। आगामी 3 मंथ का जो टाइम रहेगा थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा टफ रह सकता है, और इसमें आम आदमी के लिए काफ़ी परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा अगस्त में, मैंने हर पॉइंट को इसमें इंक्लूड कर दिया है, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन से लेकर कमोडिटी प्राइसेस, शेयर मार्केट, इकोनॉमिक क्राइसिस, और साथ में भूकंप या सुनामी की बात या चक्रवाती तूफानों की जो बात की गई थी वो अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। देखिए चारों तरफ बाढ़ का माहौल था ही, अगर आप देखा जाए भारत में तो पूरा जगह पर बारिश इतनी ज़्यादा हुई है और कई जगह फ्लड की सिचुएशन बहुत बिगड़ गई। तो ये जो है अब धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, लेकिन जो चक्रवाती तूफान है जिस स्पीड से आने हैं वो स्पीड अभी भी बचा हुआ है और वो भी आकर रहेगा। तो अधिक अपडेट बनाने के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और महादेव लाइव सेशन का आयोजन इस बार परसों, अर्थात आप मंडे की बात किया जाए, सावन का सोमवार रहेगा, और इसमें शाम को 5 से 6 के बीच में महादेव लाइव सेशन का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 8 से 9 बजे रात्रि में किया जाता था, लेकिन इस बार शाम को 5 से 6 बजे के बीच में किया जाएगा। जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और 5 बजे अपने प्रश्न लगातार आप पूछ सकते हैं 5 बजे। और डेट जो रहने वाला है, डे जो रहने वाला है, सावन का सोमवार है इस मंथ का, यानी ये अगस्त का जो सोमवार रहेगा उसमें आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।